हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति राणा। सो गाइस, आज हम आए हैं प्लांटेशन के लिए पूर्णापुर। तो मैं पहुंची हूँ गिल फार्म हाउस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू है यहाँ का, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे प्लांटिंग की गई है। जितनी शूट ज़्यादा होंगी उतनी वैरायटी ग्राफ्ट कर लोगे। तो पहले मैंने इसको हाफ जो लोहे का ड्रम होता है ना उसमें लगाया था, करीब 15 वैरायटी ग्राफ्ट होगी। मैंने कहा अभी ये चलेगा नहीं, फिर इसको नहीं चलेगा। 31 वैरायटी तो ये लिखी हुई है। अच्छा, 35 वैरायटी है इसके ऊपर, इसी एक पेड़ के ऊपर। ठीक है, अब ये देखिए, ये गौर जीत। अच्छा, ये टैग लगा हुआ है ना। हाँ हाँ हाँ, ये पूसा लालिमा वीडियो बना, हाँ बना है, पूसा की वैरायटी है। हाँ, ये पूसा लालिमा जी। ये देखिए, ये है स्वर्ण रेखा, ये वाली ये शूट है ना, ये स्वर्ण रेखा की। ये देखो, ये यूनियन है इसका, ये देखा ना, ये जुड़ा हुआ। डॉक्टर साहब चले गए नहीं तो क्या, हड्डी कैसे जोड़ते हैं, वैसे ही इसका भी जुड़ा। हाँ, वो क्या क्या होगा। ये फजरी है, फजरी का देखो ये साफ दिखाई दे रहा है, ये जुड़ा हुआ है। ये चौसा है। ऐसे ही जितनी वैरायटी है ना, एक वंदर में भी है। अब ये उसकी है बंगाल की, तोता बरी। एक अल्फांसो तीन साल, ये है अल्फांसो। एक्चुअली ये ना टाइट हो गए, ये जो इंडिया की सबसे कॉस्टली जो है उसकी आम की वैरायटी है। इधर का चाबी है, आप कुछ कि मगर उसका मैं नाम मुझे याद नहीं था, तो फिर मैंने उसके ऊपर अननोन लिख दिया। अब इसमें जब फ्रूटिंग होगी ना तब पता चलेगा भी ये कौन सी वैरायटी है। और ये देखिए मम्मा, इसे देखो, सुरखा पूसा अरुणिमा फजरी। ये किधर और आ गया, ये है आपका खासुल खास। अच्छा, खासुल खास। ये देखिए समर बेस चौसा। अच्छा, खाने में चूसने में इससे अच्छी वैरायटी। अच्छा, ये है आपका लंगड़ा बनारसी। अच्छा, पूछा श्रेष्ठ। अच्छा, ठीक है, ये जो वैरायटी है इसका नाम हुसैन आरा है। हुसैन आरा। अच्छा अच्छा, इसका आम तोड़ के आप रख लोगे जी तो आप कहोगे खाएंगे नहीं, सिर्फ देखते हैं। देखिए, अच्छा इतना खूबसूरत होता है। कलर दिखाऊंगा इसका। ये है मलिका। अच्छा, ये देखिए, ये यूनियन है, ये जुड़ा हुआ है। ये जो है बारामासी। ये शूट बारामासी की पकड़ती है। ये को बनारस की वैरायटी है, इसका कह रहे थे इसके नाम से ही है। ये देखो, ये है जाफरान। इसका जो टेस्ट भी वो वैसा ही है, राम केला जिसका अचार बनता है। खट्टा बहुत होता है। हाँ, बहुत खट्टा होता है। फिर उधर आ जाए, वो देखिए नीचे बॉम्बे ग्रीन रॉयल स्पेशल। तो टोटल 35 वैरायटी है। एक फ्रूटिंग है इसमें तो 5-6 पे आती है, 5-6 पे थी। अभी ये छोटी है ना, तो अभी फ्रूटिंग लेना ठीक है, अब 1-2 साल बाद शुरू हो जाएगी। ये आपके गार्डन में होंगे ना, रेड लेवल लगी होंगी ना। हाँ, सिंगल भी लगी होंगी। वो जो पेड़ है वो सामने 27 थी, अब इन्होंने 3 छोड़ के बाकी सब कुछ। ये पीछे जितने पेड़ लगे हुए ना सब अलग अलग वैरायटी है। इस पे करीब 15-16 वैरायटी का फल आता है क्योंकि बड़ा पेड़ है। अब मैं दोबारा फिर करूँगा क्या काटनी चाहिए। ये लंगड़ा बनारसी इतना बड़ा हो गया, वो ऊपर इतना बड़ा हो गया, अगर ये ज़्यादा बड़े हो गए तो दूसरों को ख़त्म करता है। ऊपर तो बोला है। अब जैसे आप अब उसके साथ बैठ के आप फोटो खिंचवा लो, ठीक है, फिर जाके दिखाना। देखो खाना, देखो एक ही पेड़ में इतने लगते हैं तो लगे हुए थे। खा लिया सो गाइज, कैसी लगी आपको ये आम की स्टोरी।
एंड ये जो आम है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इसमें बहुत सारी वेराइटीज़ भी हैं एक आम के अंदर। एंड गाइस आप देख सकते हैं लोकेशन भी बहुत ही अच्छी है, लॉयंस की टीम एंड लियो की सभी टीम आई हुई है और अब हम जा रहे हैं सब घर। तो गाइस आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और आज हम आए थे प्लांटेशन के लिए पूर्णापुर के स्कूल में, प्राथमिक स्कूल पर, तो हमने बहुत सारे आज प्लांटिंग करी है और फाइनली अब हम पहुंचेंगे अपने घर। और लोकेशन देख के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया, आपको भी मज़ा आ रहा होगा। सो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें और मैं मिलती हूँ आप सभी को अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और भी ढेर सारी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।